मैं बोलती हूँ ना, नेचर से प्यार कीजिए। आपको मैं यहाँ पे गिलहरी दिखाऊंगी, और बहुत सारियाँ मुझे देख के भाग भी रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कैमरे में कैप्चर करने के लिए उनको। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, देखिए और कितनी सारी, देख रहे हो, चिड़िया भी है और वो भी खेल रहे हैं। देखिए आप, बहुत सारी, बहुत सारे, तो नेचर इसको बोलते हैं, सिर्फ नेचर। जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ पक्षियाँ रहेंगी, गिलहरियाँ रहेंगी, देख रहे हैं आप। ओह सो स्वीट, यहाँ इतनी ठंडक, इतनी है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बोल नहीं सकती। मुझे लग रहा है मैं घर ना जाऊँ, मैं यहीं पे रह जाऊँ। बहुत सारी हैं, बहुत सारी, आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम करूँ तो देखिए वो भी हैं, और मैं देखिए उधर भी है, देख रहे हैं, बहुत सारी हैं छिपी हुई हैं। यहाँ पर मैं जूम करती हूँ, यहाँ पर भी देखिए वो छुपी हुई है, वहाँ पर दो हैं, दो छुपी हुई, कुछ खा रही हैं लोग। इधर भी देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहाँ पे हो भाई, यहाँ पे तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे उधर भी, उधर भी, आप दिख पा रहे हैं कि नहीं, छुप गई, नहीं वहाँ पे है, आपको थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है, तो बहुत सारी। इसीलिए नेचर से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ नेचर से प्यार करिए आप। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लगा रखा है, तो मैं धूप यहाँ पे बहुत है इस वजह से मैं बाहर हूँ, तो इसको लगा के मैंने रखा हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं ये बात नहीं करूँगी आपसे कि कोई वीडियो रिव्यू नहीं होगा, कोई ब्यूटी से रिलेटेड बातें नहीं होंगी, लेकिन एक ब्यूटी चीज़ें होंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं। कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वो बातें मैं पहुँचा सकूँ, अगर पहुँचा पाई तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए ख़ास तौर से। आप एक बात बताइए, अभी आप देख रहे हैं ना, मैं एक पेड़ के नीचे आराम से बैठी हूँ, और इतनी गर्मी है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर एक शीतलता, एक ठंडक, एक सुकून मिल रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि क्या रीज़न है, क्यों मिल रहा है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इन पेड़ पौधों की वजह से मिल रहा है। तो अगर आप भी, अगर वाकई आप भी ये चीज़ चाहते हैं कि आपके जीवन में शीतलता, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, तो आपको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। एक बात बताइए कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्या हो गया कि हम लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी शहर में रहना पसंद करते हैं, देखिए हम लोग गांव जाना उतना पसंद नहीं करते हैं, ये हकीकत है, ये बहुत बड़ा सच है। जो गांव में भी लोग रहते हैं वो शहर की तरफ भागना चाहते हैं, तो गाँव तो हमारा धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और गाँव भी जो पहले गाँव रहता था वो नहीं रह गया है, पहले वहाँ पेड़ पौधे वगैरह क्या क्या रहती थी, बहुत कुछ बना रहे हैं, बिलास बना रहे हैं, फ्लैट्स बन रही हैं, और हम घर का सपना देखते हैं कि हमें घर बनाना है, हम ये भी सपना देखते हैं कि हमको कुछ अच्छा करना है, मतलब ज़मीन खरीदना है, मतलब प्लॉट वगैरह, लैंड वगैरह खरीदना है, और बिल्डिंगें बनानी हैं, बहुत अच्छे बिलास बनाने हैं, बंगलो बनाने हैं, ये सब हम सोचते हैं, बैंक बैलेंस करना है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको एक पेड़ लगाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ, मुझे इतना सुकून मिल रहा है, इतनी ठंडक मिल रही है कि मैं सारी गर्मियों को भूल चुकी हूँ। अगर मुझे मेरा बस चले तो मैं यहीं पर रहूँ, घर ना जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, और मुझे नेचर से बहुत प्यार है, नो डाउट। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ सिर्फ नेचर हो, घर बहुत दूरी दूरी पर हो, मतलब और कुछ सामान मिल जाएँ जो कि मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पेड़ पौधों से, एक शांति वातावरण से बहुत बहुत लगाव है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप घर बनाने का सोचते हैं, जैसे आप बिल्डिंगें बनाने का सोचते हैं, सेविंग करने का सोचते हैं, वैसे एक पेड़ लगाने का सोचिए, प्लीज़, ज़रूरी है। जैसा कि मैं बोल रही थी, अब गाँव में भी लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, और गाँव भी तो शहर हो रहा है, गाँव छोटा होता जा रहा है, जितने भी विलेजेस हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जब लोग मूव कर रहे हैं शहर की तरफ, सिटी की तरफ, तो सिटी तो बड़, जो सिटी है वो तो फैलेगा ना, तो वो तो जगह लेगा, तो जगह किधर जाएगा, गांव की तरफ जाएगा, तो फिर हम शहर और गांव, एक दिन लुप्त हो जाएगा गांव
और शहर ही रह जाएगा, लेकिन शहर को भी तो खूबसूरत बनाना है, तो प्लीज़ पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। आप जब भी घर बनाएं तो दो पेड़ पौधे तो लगा ही लें। जब आपकी आप कभी फील करिएगा, जब आपका घर विदाउट पेड़ पौधों के रहता है ना, उतना खूबसूरत नहीं लगता है। ये मैंने फील किया, मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधों के साथ घर रहना। मुझे पसंद नहीं है वीरान घर, बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरी है कि मेरे पास उतने लैंड नहीं है, उतने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगाना पेड़ पौधे बहुत पसंद है, कहीं भी किसी भी जगह। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जैसे आप अपना घर बनवाते हैं, जैसे सेविंग करते हैं, वैसे एक पेड़ लगाया कीजिए। और अगर आप चाहें तो साल में एक लगाइए, जैसे बरसात का मौसम होता है उसमें आपके लिए ईजी भी रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर के पास ज़मीन नहीं है, आपके घर में अगर मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, तो कहीं और जगह लगा दीजिए, आपको एक सुकून मिलेगा। उसको जाके देखिए, उस पर पानी दीजिए, इससे क्या होगा, जो भी हमारा वातावरण है वो बहुत अच्छा होगा, शुद्ध होगा, जो कि ऑलरेडी पोल्यूशन से भरा हुआ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितने घर में मेम्बर हैं उतनी बाइकें हैं, मिनिमम 1 तो 4 व्हीलर है सबके घर में ऑलमोस्ट। तो ये रीज़न है कि हम पोल्यूशन में ज़्यादा रह रहे हैं, एसी में ज़्यादा रह रहे हैं और नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे आप घर बनवाते हैं, जैसे आप विलास के लिए सोचते हैं, वैसे पेड़ पौधों के लिए सोचिए, तभी हमारा भारत खूबसूरत बनेगा और फिर से एक हरा भरा भारत बन जाएगा। तो मुझे तो अच्छा लगता है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी नेचर से प्यार कीजिए, आपको भी नेचर से प्यार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।